गौरव प्रताप ने उसके विरोध में एक बात लिखी, किसने गौरव गुलाब चंद्रा का समर्थन भी किया, उसमें मेरे भाई भी थे, मेरे परिवार के जन है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन किया गुलाब चंद का। मैं उसका गला काट दूं। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ, किसी भी इष्ट का अपमान करना न मेरे घर के संस्कारों में न मेरे पार्टी के संस्कारों में। सबसे पहला तो वो ओवैसी, ठीक है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने ओम मना का तिरस्कार किया है शराबी कहकर, मंच पर गुलाब सिंह कटारिया ने महाराणा प्रताप का तिरस्कार किया है। मैंने तनसुजा का कोई समर्थन नहीं किया है, मैंने किसी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन नहीं किया है, मैंने एकता जी की इस बात का समर्थन किया है कि उनके पुत्र ने, उनके हस्बैंड ने, जो कि रियाज जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि मेरी आईडी हैक कर ली गई है, वंदे मातरम जयश्राम के घोष निकाल के पथराव करने वालों में अगर एकता जी ने समर्थन किया हो तो मैं उनके खिलाफ हूँ। उसके उपरांत जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टें आ रही हैं, आतंकवादी गमकरी जा रही हैं, उनमें अगर एकता जी उनके साथ हो तो मैं उनके खिलाफ हूँ। कई मुसलमान भाई मेरे मित्र रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, परंतु उनमें से बहुत लोग चुप भी साथ के बैठे हैं। उन सब चुप रहने वालों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि भविष्य में किसी भी तरह से मुझसे किसी भी मदद की, किसी भी सहायता की आशा ना करें। वजह, अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो, अगर आप किसी फतवे से डर कर और एक आतंकवादी गतिविधि को आतंकवाद का नाम नहीं दे सकते हो, तो हम भी इस मेवाड़ में ऐसे लोगों की, जिन्ना की, ओवैसी की न पूर्व में जगह थी न जगह होगी आगे भी। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। ऐसे में पूर्व पार्षद रियाज हुसैन की पत्नी डॉक्टर एकता हुसैन की भी एक पोस्ट सामने आई, जिसमें उन्होंने 5 जून को फेसबुक पर सर तन से जुदा जैसी भड़काऊ पोस्ट की थी। आश्चर्य की बात यह है कि पल पल राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के 15 मिनट बाद ही डॉक्टर एकता हुसैन ने अपनी वॉल पर एक पोस्ट की और आईडी हैक होने का हवाला दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जो आईडी 2 महीने से है, कि वह एक खबर प्रकाशित होने के महज 15 मिनट बाद अनहैक कैसे हो गई? वैसे कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर एकता हुसैन की पोस्ट पर वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने लिखा कि जिनका नाम एकता हो वह अनेकता की बात नहीं कर सकता, बुआ पूरा परिवार आपके साथ है। सर तन से जुदा जैसी पोस्ट डालने वाली डॉक्टर एकता हुसैन का साथ देने की जब गौरव प्रताप ने बात की तो इस पर पल पल राजस्थान ने उनसे साथ देने की वजह पूछी। इस पर गौरव प्रताप ने कहा कि वह सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे का समर्थन नहीं करते, बल्कि डॉक्टर एकता हुसैन को बचपन से जानने के कारण उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं कि सच में उनकी आईडी हैक हुई होगी। नहीं नहीं, आप गलत ले रहे हैं मेरी बात। एकता जी मेरी सहपाठी की बुआ है, रोशनलाल शर्मा के जो संस्थापक हैं टी एस जी जोशी, उनकी पुत्री हैं। बुआ का रिश्ता मेरा उनसे रहा है, बचपन से आज तक उनके साथ मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और मैंने तनसुजा का कोई समर्थन नहीं किया है, मैंने किसी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन नहीं किया है, मैंने एकता जी की इस बात का समर्थन किया है कि उनके पुत्र ने, उनके हस्बैंड ने, जो कि रियाज जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि मेरी आईडी हैक कर ली गई है, मैंने ये पोस्ट नहीं डाली है, वो पोस्ट 5 जून की है, आपकी न्यूज़ 4 दिन पहले प्रकाशित हुई थी, जिसका खंडन एकता जी ने और उनके पति ने किया है, उनके हस्बैंड ने किया है। उनका कहना है कि ऐसा किसी भी तरह से हम समर्थन में नहीं है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं रियाज जी का भी, जो हकीम खान सूर ने मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वैसा हकीम खान सूर मुझे रियाज जी में नज़र आया। कई मुसलमान भाई मेरे मित्र रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, परंतु उनमें से बहुत लोग चुप भी साथ के बैठे हैं। उन सब चुप रहने वालों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि भविष्य में किसी भी तरह से मुझसे किसी भी मदद की, किसी भी सहायता की आशा ना करें। वजह, अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो, अगर आप किसी फतवे से डर कर और एक आतंकवादी गतिविधि को आतंकवाद का नाम नहीं दे सकते हो, तो हम भी इस मेवाड़ में ऐसे लोगों की, जिन्ना की, ओवैसी की न पूर्व में जगह थी न जगह होगी आगे भी। मैंने मेरे स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से कहा, आपको बनना है तो हकीम खां बनो। आप अगर किसी मंदिर पर, हमारे धर्म पर, हमारे संस्कारों पर, भारत माँ की प्रतिष्ठा पर अगर प्रहार करोगे तो उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह गौरव प्रताप सिंह ने डॉक्टर एकता हुसैन पर विश्वास जताया है। यहाँ गौरव प्रताप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो भी मुस्लिम गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के कृत्य पर चुप्पी साधे बैठे हैं, उनका साथ आज के बाद वह कभी नहीं देंगे।
गौरव प्रताप ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद उनके शव के आसपास वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। इस दौरान जिन लोगों ने पथराव किया वह लोग कौन थे, इस पर भी पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम जैसा नारा लगाना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। वंदे मातरम जय श्री राम का घोष हुआ था, कन्हैया लाल जी का दाह संस्कार से पूर्व उनका शव जब वहाँ पर रखा हुआ था, वंदे मातरम जय श्री राम के घोष निकाल के पथराव करने वालों में अगर एकता जी ने समर्थन किया हो तो मैं उनके खिलाफ हूँ। उसके उपरांत जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टें आ रही हैं, आतंकवादी गमकरी जा रही हैं, उनमें अगर एकता जी उनके साथ हो तो मैं उनके खिलाफ हूँ। परंतु जब एकता जी कह रही हैं कि ऐसा कृत्य मैंने नहीं किया है और वो इसकी फांसी की मांग कर रही हैं, वो सरकार से भी ये कह रही हैं कि इसकी जांच कराई जाए, तो उनका समर्थन करना आपका मेरा सबका फर्ज बनता है। क्योंकि एकता जी जिनको बचपन से जानता हूँ, जो इस दौर में एक मुस्लिम समुदाय में विवाह होने के बाद भी अगर धर्म के साथ, अगर सच्चाई के साथ, भारतवर्ष के साथ और धर्म सबसे उठकर मेवाड़ में गलत के खिलाफ अपना बयान दे रही हैं, तो मुझे क्या आप सबको उनका समर्थन करना चाहिए? और अगर वो समर्थन में है, वो क्या अगर मेरा सगा भाई भी उनके समर्थन में है, तो गौरव प्रताप उनके विरोध में खड़ा रहेगा। डॉक्टर एकता हुसैन ने अपनी वॉल पर सर तन से जुदा जैसी पोस्ट करने के बाद कह दिया कि यह पोस्ट उन्होंने नहीं की और अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन आपको बता दें कि कन्हैया लाल साहू ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने से अनभिज्ञता जताई थी। कन्हैया लाल साहू ने धान मंडी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद कहा था कि उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता। यह पोस्ट या तो गलती से हुई है या किसी अन्य व्यक्ति ने उनके मोबाइल से फेसबुक पर डाल दी है। कन्हैया लाल की पोस्ट का बड़ा खामियाजा न सिर्फ उनके परिवार को उठाना पड़ा, बल्कि आज पूरा देश उनकी मौत के बाद गमगीन है। गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान करना हमारी संस्कृति में नहीं है। यूं तो कई राजनेताओं ने भी भगवान का अनादर किया है, तो क्या हम उनका गला काट दें? गौरव प्रताप ने साफ कहा कि किसी भी मामले पर मैं मारकाट का समर्थन नहीं करते, बल्कि आपस में बैठकर मामले को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम का घोष नहीं कर सकता, उसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए कन्हैया लाल जी की मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये पहली दफा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति का मुद्दा नहीं था ये, और किसी भी नेता का नाम लेना, जो कि बहुत लोगों ने हरकतें की हैं गंदी, लोग जैसे कांग्रेस पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मैंने देखा है हमेशा, अशोक गहलोत की सरकार हटा दो, कांग्रेसियों को हटा दो, कांग्रेस की जगह नहीं है। तो आज अगर आप कन्हैया लाल जी की बात हो रही है, देखिए बहुत से राजनेता हैं जिन्होंने पूर्व में भी भगवान का अनादर किया है। सबसे पहला तो वो ओवैसी, ठीक है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने ओम मना का तिरस्कार किया है शराबी कहकर, मंच पर गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप का तिरस्कार किया है। गुलाब चंद जी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो राणा का तिरस्कार कर रहे हैं, राम का तिरस्कार कर रहे हैं, मैं मोदी जी कहता हूँ, मैं अमित शाह जी कहता हूँ, वो मेरी नारों में अलग बात है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मेरे दिग्गज हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। और गुलाब सिंह को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गुलाब सिंह ने राणा का अपमान किया, श्री राम का अपमान किया, आपने उसका तो कभी खंडन नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, गौरव प्रताप ने उसके विरोध में एक बात लिखी, किसने गौरव गुलाब सिंह कटारिया का समर्थन भी किया, उसमें मेरे भाई भी थे, मेरे परिवार के जन हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन किया गुलाब चंद का। मैं उसका गला काट दूँ। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ, किसी भी इष्ट का अपमान करना न मेरे घर के संस्कारों में, न मेरे पार्टी के संस्कारों में, न भारतवर्ष के संस्कारों में, किसी के भी इष्ट का सम्मान करना, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम, किसी के भी इष्ट का अपमान मेरे संस्कारों में नहीं है, न किसी इष्ट का जो अपमान कर रहा है उसके समर्थन में गौरव प्रताप को भी नजर आएगा। परंतु अगर कोई उसके समर्थन में पोस्ट डालता है और पुलिस वार्ता में आपसे माफ़ी मांग लेता है, फिर आप किसी एक जो मुगलों के मुखबीर थे, वैसे मुखबीर अभी भी मेवाड़ में पाए गए हैं, उनमें से बहुत लोग डिनर हो रहे हैं, वो मुखबीर अगर मुखबिरी करता है, तो आप आके धोखे से एक आदमी के आके वो अपने धंधे पर आकर एक जिसे कहते हैं कि गीदड़ वार कर कर एक आदमी की निर्मम हत्या करते हो, उसके तो विरोध में और विरोध में रहेंगे। कन्हैया लाल जी के बच्चों ने अगर कहा कि हमने नहीं डाली है, आप वार्ता करते हैं, उससे बात करते हैं, बहस करते हैं, भाई अपने नबी, आपकी जो नबी की बात थी, आप कहते कि हमारे इष्ट का अपमान मत करो, हमारे तुम्हारे इष्ट का अपमान नहीं करते, तुम क्यों कर रहे हो? आप वार्ता करते, विरोध करते, तो किसी का गला काट देना, तालिबानी धमकियां देना, बच्चों के, हमारी बहनों के, या एक विशेष धर्म समुदाय के हिंदू संगठन के मन में खुचुरा दिखा के डर पैदा करना, उनके खिलाफ तो हम आतंक में हैं। और मैं तो भी, मेरे कई उस समुदाय से जुड़े जो मुसलमान वर्ग, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मित्र हैं, उनसे मैंने बात नहीं की, उनका गुस्सा भी जायज है, पर मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, मेरा विरोध ये है कि जब आप किसी मौलवी के फतवे के डर के कारण, या आपका समुदाय नाराज नहीं है उसके डर के कारण, आप उनका विरोध नहीं कर रहे हो, आप उनको आतंकी नहीं कह पा रहे हो, आप उनके खुले उनके विरोध में नहीं आ पा रहे हो, तो गौरव प्रताप भी भविष्य में किसी भी तरह की मदद, और आप अगर मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वंदे मातरम जय श्री राम का घोष हो रहा था, कन्हैया लाल जी का शव पड़ा हुआ था, वंदे मातरम जय श्री राम के घोष से क्या आपत्ति थी? आप ऊपर से पथराव करने लग गए, तो अगर आप पथराव कर रहे हो, मतलब जो दो आतंकी थे जिन्होंने कन्हैया लाल का सर काटा,
आप कहीं ना कहीं उनके समर्थन में हो, तभी आप पथराव कर रहे हो ना। बाकी वंदे मातरम जय श्री राम से आपको क्या आपत्ति हो रही है? राम तो हिंदुस्तान युग पुरुष है, और वंदे मातरम का नारा तो हर पार्टी में हर बच्चा लगाता है, और वंदे मातरम का नारा जिसको लगाने से आपत्ति है, मेरा मानना है अगर इतनी कट्टरता आपको है तो आपको पाकिस्तान का रास्ता नापना चाहिए, आपको अफगानिस्तान का रास्ता नापना चाहिए, आपको इराक का रास्ता नापना चाहिए, क्योंकि भारत में तो आपको वंदे मातरम घोष करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।